नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। जिसको कण कण में शिव दिखता है वो संपूर्ण जगत से निस्वार्थ प्रेम करता है। कभी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ तक, सोमनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक, शिव के प्रति देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की आस्था किसी से छिपी नहीं है। शिव की अद्भुत महिमा से परिचित पीएम मोदी ये जानते हैं कि शिव ना तो कोई प्रारंभ है, ना ही कोई मध्य है और ना ही कोई अंत है। वो तो अनंत हैं जिनके अंदर ये समस्त संसार समाया हुआ है। शिव की भक्ति से इस कर्म योगी को अद्भुत शक्ति मिलती है और इसी ऊर्जा के बल पर पीएम मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, देश के हितों में ऐतिहासिक फैसले लेते हैं और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में एक सेकंड नहीं लगाते। शिव से पीएम मोदी का रिश्ता देखिए कितना खास है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। जब जब मौका मिलता है पीएम मोदी बाबा के दर्शनों से चूकते नहीं है। बाबा केदार के प्रति पीएम मोदी की भक्ति पूरी दुनिया को तब दिखी जब वो बैक टू बैक केदारनाथ धाम पहुंचे। स्क्रीन पर दिख रही ये पहली तस्वीर मई साल 2017 की है, ये दूसरी तस्वीर नवंबर साल 2018 की है और ये तीसरी तस्वीर मई साल 2019 की है। इन तीनों तस्वीरों में बाबा केदार के प्रति पीएम मोदी की आस्था भी दिखती है और केदारनाथ धाम का कायाकल्प भी नजर आता है। जी हाँ, 8 साल पहले साल 2013 में केदारनाथ में देखिए जो तबाही मची थी उसे पूरी दुनिया ने देखा। इस त्रासदी ने केदारनाथ की तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख दी थी। उस वक्त देखिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि केदारनाथ की रौनक कभी वापस लौट कर आएगी, लेकिन इस शिव भक्त ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। साल 2013 का केदारनाथ अब बदल चुका है। जिस केदारनाथ धाम को कुदरत के रौद्र रूप का शिकार होना पड़ा, आज उसकी तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। सत्ता में आते ही पीएम मोदी बाबा केदारनाथ की भव्यता वापस लाने में ऐसे जुटे जिसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ देश दुनिया के कोने कोने से बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। साल 2014 से ही पीएम मोदी केदारनाथ के कायाकल्प में जुटे हुए हैं और अब इसे अंतिम स्वरूप देने के लिए एक बार फिर पीएम मोदी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। दिवाली के देखे ठीक अगले दिन यानी कि 5 नवंबर को पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड का दौरा करेंगे और अपने इस दौरे की शुरुआत बाबा केदारनाथ धाम से ही करेंगे। इस बार पीएम मोदी केदारनाथ धाम से जुड़ी 250 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वैसे देखिए एक महीने के भीतर पीएम मोदी ये दूसरी बार उत्तराखंड जा रहे हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर को ऋषिकेश पहुंचे थे जहां उन्होंने 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया था और इस बार केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले यानी कि 5 नवंबर को बाबा की नगरी पहुंचेंगे। तो ये तो हुई बात केदार से जुड़ी पीएम मोदी का खास कनेक्शन या फिर यूं कहें कि बाबा के प्रति पीएम मोदी का अगाध प्रेम। अब अगर राजनीतिक दृष्टि से पीएम मोदी के इस दौरे को देखा जाए तो इस वक्त देवभूमि में कमल खिला हुआ है। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सत्ता में बरकरार है। वहीं अगले साल यानी कि देखिए साल 2022 की शुरुआत में ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी चाहती है कि फिर से डबल इंजन की सरकार बने, यानी कि फिर से देवभूमि भगवामय हो जाए। और वो अलग बात है कि राज्य में 2 बार बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल चुकी है, वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। ऐसे में दिवाली के अगले दिन बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद क्या पीएम मोदी को चुनावी जीत दिलाएगा? उत्तराखंड के चुनावों में क्या पीएम मोदी की शिव भक्ति रंग लाएगी? क्या बाबा का आशीर्वाद फिर से देवभूमि में कमल खिलाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा खास है और जिस कारण धामी सरकार की तैयारियां जोरों पर है।